बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सुलहरी और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ अ चैलेंज। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे और आपके रिस्क में और आपके कारोबार में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और आज की रेसिपी जो मैं लेके आया हूँ वो है कोल्ड सैलड। और कोल्ड सैलड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें कैरेट चाहिए। कद्दूकश कर लें आप या इसको काट लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमने 250 ग्राम ली है। बंद गोभी ली है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया, ये भी आपने 250 ग्राम लेनी है। मैक्रोनी है, ये आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है, हमने वैसे एक कप ली है। इसके बाद आपने क्रीम ऐड करनी है 200 ग्राम, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। विनीगर ऐड करना है आपने 6 से 7 ड्रॉप। मायनीज आपने ऐड करनी है 3 टेबल स्पून। और क्रश शुगर आपने यूज़ करनी है, आइसिंग शुगर जिसे कहा जाता है, 3 टेबल स्पून। तो जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक अदद बाउल ले लिया है। और बाउल जो है वो गहरा होना चाहिए और थोड़ा सा खुला होना चाहिए ताकि सैलड बनाते वक्त आप आसानी से इसको बना सकें। और अब हम इस प्यारे से बाउल में सबसे पहले ऐड करेंगे बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी के फ़ायदे ये हैं कि ये न्यूट्रिशन कंप्लीट प्रोवाइड करता है आपको, और इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, मेडिकल टर्म के हवाले से देखा जाए तो। सेकंड में हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई गाजर। गाजर ऐड कर दिए इसमें सेकंडली। गाजर ऐड करने के बाद हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे 6 से 7 ड्रॉप जो हमने बताए थे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सिरका है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सिरके का फायदा दोस्तों ये है, वेजिटेबल जितने जो हमने डाली हैं गाजर और बंद गोभी, ये अच्छी तरह गल जाएंगी और नरम हो जाएंगी। जितनी ये नरम हो जाएंगी उतना ही हमें सैलड में मज़ा आएगा। जी, वेजिटेबल हमारी मिक्स हो चुकी हैं। सेकंड जो स्टेप है वो उसमें हमने क्रीम ले ली है, और इस क्रीम में हम मायो ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून जो आपको बताया था। ये देखें, मायो हमने डाल दी है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे गाइस, कोल्ड सैलड के लिए हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है, ये देखें। और अब हम इसे वेजिटेबल सैलड में ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, हमने बॉल ले लिया है जिसमें हमने विनेगर लगाया था, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने एक बात नोट करनी है कि मैक्रोनी आपने विनेगर डालने के बाद ऐड करनी है, मैक्रोनी को आपने कभी भी विनेगर नहीं लगाना वरना सारा टेस्ट खराब हो सकता है। ये देखें, अच्छे तरीके से अब तसल्ली के साथ इसे मिक्स करना। और फाइनली हमने मैक्रोनी को मिक्स कर लिया, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने क्रीम मिक्स की थी उस क्रीम को हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, यहाँ पे जी हमने क्रीम ऐड कर दी है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, पहले आपने नीचे वाली वेजिटेबल को ऊपर लेके आना है और उसके बाद आपने इसको नीचे लेके जाना है। ये बेस्ट तरीका है, कभी भी आपने क्रीम को डायरेक्ट चम्मच नहीं लगाना वरना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। कोशिश किया करें कि गर्मी में आप जब भी कोई लंच वगैरह करते हैं तो कोई किसी किस्म की वेजिटेबल या स्वीट जो डेजर्ट है वो आपने लाजमी ऐड करना अपने खाने में। इससे खुराक अच्छे तरीके से हजम भी होती है और खाना भी अच्छे तरीके से खाया जाता है। ये सेहत के लिए भी आप बहुत अच्छी चीज़ है, इससे न्यूट्रिशंस पूरी होती हैं। आप फ्रेश सैलड भी यूज़ कर सकते हैं और किसी किस्म की भी स्वीट डिश या डेजर्ट बना सकते हैं, या आप कोल्ड सैलड बना सकते हैं। ये पूरे दिन की बेस्ट न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है आपको।
और फाइनली दोस्तों हमारी जो कोल्ड सैलेड है वो मिक्स हो गई अच्छी तरीके से। अब हम इसमें हसबे ज़रूरत थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ये सिर्फ टेस्ट के लिए और थोड़ी सी खुशबू के लिए है। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो इसको थोड़ा सा ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें टेस्ट में डिफरेंट फील होगा। ब्लैक पेपर हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हमने इसको मिक्स नहीं करना और इसी तरीके से हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही ये ज़्यादा ठंडा होगा और जितना ठंडा होगा डेफिनेटली हमें कोल्ड सैलेड का उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आज की रेसिपी का इख्तिताम करते हैं। होप दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही खलील सुलहरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।